तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी मिलने के विवाद के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने 4 कंपनियों के घी सैंपल मंगवाए। इनमें से एक कंपनी का घी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गया है, उसमें मिलावट की बात सामने आई है। सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इधर तिरुपति मंदिर की शुद्धि के लिए महाशक्ति यज्ञ किया गया। सुबह 6 से 10 बजे तक चले पंचगव्य प्रोक्षण में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी समेत 20 पुजारी शामिल हुए। अनुष्ठान में लड्डू और अन्य प्रसादम रसोई की शुद्धि की गई। ये रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त तिरुपति मंदिर प्रांगण में खड़ा हूँ। मेरे पीछे आप तिरुपति मंदिर देख सकते हैं और तिरुपति मंदिर में देश भर से श्रद्धालु आते हैं। हालांकि आज थोड़ी कम संख्या नज़र आ रही है। ये बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला और तेज़ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसे जो लड्डुओं में मिलावट को लेकर जो विवाद हुआ उसका भी असर माना जा सकता है। आज ज़रूर इसी मंदिर में प्रांगण में शुद्धिकरण किया गया। जो प्रसाद में प्रसाद के तौर पर जो लड्डू बांटा जाता है, लड्डू दिया जाता है, उसमें जानवर की चर्बी मिलाए जाने की खबर आने के बाद से ही श्रद्धालुओं के मन में शंका संशय की स्थिति बनी हुई थी। इसके बाद TTD ने, ट्रस्ट ने मंदिर के शुद्धिकरण का फैसला लिया और इस पूरे मंदिर प्रांगण में शुद्धिकरण किया गया। शुद्धिकरण के लिए मंदिर में अनुष्ठान किया गया सुबह 6 बजे से 10 बजे तक, और अनुष्ठान के 25 आचार्य लगातार होम कर रहे थे। मंदिर का पंचगव्य से शुद्धिकरण हुआ। देवस्थानम, तिरुपति देवस्थानम ने प्रायश्चित के लिए भी इसे किया गया, अनुष्ठान किया, शुद्धिकरण किया। अनुष्ठान का मकसद यही था कि जो गलती हुई उसे सुधारा जाए, मंदिर की पवित्रता को बनाए रखा जाए। अनुष्ठान के लिए महाशंत शांति यज्ञ का आयोजन हुआ इस मंदिर में, और तिरुपति मंदिर में शुद्धिकरण के बाद से श्रद्धालुओं में एक विश्वास जगाने की कोशिश हुई। और ये विश्वास क्या है तो ज़रा ये तस्वीर देखिए। ये विश्वास है दिया जलाना, नारियल यहाँ पर फोड़ना और हुंडी में नारियल चढ़ाना, ये तमाम वो विश्वास है ताकि एक बार फिर से वो आस्था और विश्वास और मजबूत हो सके बिना किसी संशय के। यही वजह है कि शुद्धिकरण अनुष्ठान पंचगव्य यानी 5 पवित्र वस्तुओं से पूरी जगह का शुद्धिकरण किया गया है। महाशांति यज्ञ का आयोजन किया गया। पंचगव्य में गाय का दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर शामिल है। इसके बाद लड्डू पोटू यानी लड्डू बनाने वाली रसोई और अन्य प्रसादम पोटू यानी प्रसाद बनाने वाली रसोई में भी शुद्धिकरण किया गया। शुद्धिकरण के दौरान 11 खास लोग मौजूद रहे। पूरे तिरुमला मंदिर परिसर में आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा मंदिर परिसर है। पूरे मंदिर परिसर का पंचगव्य से शुद्धिकरण करने के लिए 8 पुजारी और 3 आगम सलाहकार शामिल रहे। इसके लिए अनुष्ठान का समय सुबह 6 बजे से और 10 बजे तक निर्धारित था। 6 बजे शुरू हुआ और 10 बजे तक चला। पूरी तैयारी की गई थी और ये पूरा विवाद था, लड्डू विवाद, उसके बाद ये कदम उठाया गया। जब सामने आया कि घी में जानवर की चर्बी और मछली के तेल की मिलावट की बात सामने आई थी और उसी घी से प्रसादम जो लड्डू सब ले जाते हैं उसमें मिलावट की खबर आई, जिसके बाद से ही साधु संतों ने भी विरोध किया। कार्रवाई की भी की गई है, SIT का भी गठन किया गया है, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच रहा है। सुप्रीम कोर्ट के रुख पर भी सबकी नज़रें हैं, लेकिन सबके बीच जो उन श्रद्धालु हैं, उन श्रद्धालुओं में कितना विश्वास और उन श्रद्धालुओं पर में जो विश्वास है, आस्था है, उस पर जो आघात पहुंचा है उसे दुरुस्त करने के लिए TTD ने शुद्धिकरण का कदम उठाया। इसके बाद क्या श्रद्धालुओं के मन में कितना विश्वास जगा है ये समझने की कोशिश करते हैं। सर, आप लोग कहाँ से हैं? हम केरला से। केरला से जी। आप, दर्शन हो गया? दर्शन हो गया। आज एक अनुष्ठान रखा गया शुद्धिकरण का। अच्छा। जो प्रसादम लड्डू में जो घी इस्तेमाल होता अच्छा, था अच्छा। जो चर्बी इस्तेमाल करने अच्छा, की बात है इस्तेमाल हुआ बोल के वो न्यूज़ हाँ, में पढ़ा था, न्यूज़ में पढ़ा था। तो अब वो आज पूरे मंदिर परिसर का सुबह 6 बजे से 10 बजे तक शुद्धिकरण किया गया, अनुष्ठान किया गया, यज्ञ किया गया। एक विश्वास और जो टूटा था, चोट पहुँचा था, फिर से मजबूत हुआ है? मजबूत हुआ है ना, हो जाएगा ना, मजबूत हो जाएगा, क्योंकि अभी तक किसी को पता भी नहीं चलता इधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा था। इसके पहले का जो इधर का अनुशासन जो चल रहा था उनका ही गलती है। तो उस गलती की वजह से कहीं ना कहीं मंदिर प्रांगण जो है अपवित्र हुआ, मन अपवित्र हुआ। सच्ची सच्ची बात आप कह रहे हैं। हाँ। हमको बहुत दुख होता है ऐसा सभी सुन के। जो आप लड्डू अपने बच्चों के लिए ले जाते हैं, हाँ। लड्डू में इस तरह की जानवरों की चर्बी, हाँ, वो सभी स्पेशली वे आर गौडसारस ब्राह्मिन्स, वी नेवर यूज मीट, नथिंग, प्योरली वेजिटेरियंस वी आर।
तो ऐसे सभी हमने प्रसाद लेके हमें वो खाया है ना, तो अभी हमको हमें वो क्या खाया है वो सोच के बहुत दुख होता है। तो प्रसाद अभी जो ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं तो विश्वास से, विश्वास के साथ भगवान अब सब ठीक है। यस, वैसे मंदिर के शुद्धिकरण भी किया गया ट्रस्ट के द्वारा। हम बालाजी पे इतना विश्वास करते हैं कि वो हमको रक्षा करेंगे, ऐसा कुछ गलत नहीं होगा बच्चों के साथ भी ऐसा। अच्छा, ट्रस्ट की ओर से जो अब मेजर्स उठाए जा रहे हैं, अब एक फिर से विश्वास जगा है, क्योंकि अब तक तो ट्रस्ट पर ये था कि भाई आपकी मौजूदगी में इतनी कमाई हो रही है, फिर भी ये लापरवाही बरती गई। लापरवाही इसीलिए आजकल सब तो इसके पीछे पड़े हैं, पैसे के पीछे, पैसे के, लक्ष्मी के पीछे भी बोल सकते हैं। अभी इधर भी जो चंद पैसों के लिए करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया इन्होंने, उसका तो उनको भुगतान करना ही पड़ेगा पक्का। और दूसरी बात ये बोलूं, आपने पूछा नहीं, फिर हम तो हर महीना आते हैं बालाजी का दर्शन के लिए केरला से इधर। अच्छा। हर महीना बालाजी अच्छा दर्शन देते हैं हमको, बहुत मन भर के इधर से जाते हैं। जब भी आना, अगले महीना भी उन्होंने बुलाना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई आ नहीं सकता इधर, वो बुलाएंगे पक्का। इसलिए इधर आके जाते वक्त ये नारियल तोड़ के जाते हैं, अगले बार जल्दी बुलाना। जब ये खबर सुनी तो एक आघात पहुंचा। अरे बहुत दुख हुआ, अभी बहुत दुख हुआ। हम तो पब्लिक हैं, किसको जाके हम कुछ बोलेंगे, जो हमारे जरिए बोल सकते हैं आप, बस उतना ही बोलिए आप, जो भी दुख है। वही तो दुख हुआ है, अभी तो जो हुआ है उसके बारे में भी कुछ नहीं, अभी उसको ठीक कर सकते हैं उतना ही है। जो ठीक करने के लिए शुद्धिकरण हुआ है उसे अभी बढ़िया ही हुआ है, जो भी आगे तो अच्छा ही होगा, बस इतना ही विश्वास है। यही इसी विश्वास की बात हम बार बार कर रहे हैं कि सनातन में यही विश्वास ही है एक मजबूत स्तंभ, और इसी विश्वास पर पूरा सनातन चलता है। आप सर कहाँ से आए? हम बेंगलोर से आए। बेंगलोर से तो दर्शन हो गया, और ये मन में कहीं शंका, लड्डू प्रसाद ले जा रहे होंगे, कहीं शंका, कुछ संशय, खबर सुनी होगी आपने? बोर्ड और सरकार ने अश्योरेंस दिया है शुद्धिकरण करके ये करेंगे बोल के। शुद्धिकरण आज हुआ है, आज तो तसल्ली हो रहा है, भगवान है देख लेगा सबको। तसल्ली हो रहा है, कोई डाउट नहीं, अगर सरकार आश्वासन दे तो जरूर। लेकिन जब ये खबर सुनी कि बहुत दुख, जानवरों की चर्बी वाली, नहीं नहीं बहुत दुख हुआ, हमारा विश्वास हमारा इसके लिए पड़ा, बट God is there, feel take care. भगवान की है ना, whatever it is, भगवान की है। अगर गलती भी है वो देख लेंगे, अगर सही भी है वो भी देख लेंगे। लेकिन क्या लगता है चंद पैसों के लिए किया जा रहा है ये सब कुछ? वही बोल रहे हैं ना, आई थिंक फ्रॉम 26 years यही आ रहे हैं हम, तो जो भी है देख लेंगे। तो बचपन से आप वो लड्डू का ये एक बार दिखाइए ये वो बचपन से लड्डू अब निकाली ना हाथ से, अभी भी खा रहे हैं, बचपन से 26 इयर्स से भी खा रही हूँ, ठीक ही हूँ, जो भी हो जाएगा देख ले, टेस्ट वही है। God is there, whoever has done mistake, God will take care of it. भगवान का प्रसाद है तो जब भी आएगा जैसे भी आएगा खा लेंगे, जो भी है वो देख लेंगे मन में एक विश्वास। हाँ, वो जो विश्वास है सुन के अभी विश्वास आ रहा है, जो भी हो रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम इधर आना रोक देंगे, और इसका मतलब ये भी नहीं है जो विश्वास है भगवान पर वो भी छूट जाएगा, और इसका मतलब ये भी नहीं है जो देता है वो खा नहीं सकता ऐसा नहीं। की संख्या में तो कम नहीं हुआ ना, जितना लड्डू ले जाते हैं उतना ही लेके जा रहे हैं आज बाकी लोग भी डिमांड करते होंगे लड्डू लेते आना, तो वो पता नहीं, अभी जाके देखना है कि क्या होगा। थैंक यू। तो ये देखिए, और जो तमाम जो रिचुअल्स हैं, वो नारियल यहाँ पर फोड़ा जाता है, नारियल फोड़ने के लिए ये जगह बनाई गई है। ज़रा तस्वीर दिखाइए, जिस विश्वास और आस्था की हम बात कर रहे हैं, उस विश्वास को कोई डगमगा नहीं सकता। ज़रूर उस विश्वास पर चोट पहुँची है, लेकिन वो विश्वास इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है चंद लोगों की साजिश की वजह से। और आज चूँकि मंदिर प्रांगण में शुद्धिकरण किया गया है, जो प्रसाद जहां बनाया जाता है, पोटू रसोई घर, वहां पर भी शुद्धिकरण किया गया है, और ट्रस्ट की ओर से कहा जा रहा है, भरोसा दिया जा रहा है कि अब सब कुछ पवित्र है, शुद्ध हो गया है। कुछ और लोग भी हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं, और देखिए यहाँ पर दिया जलाया जा रहा है, और मन में उसी विश्वास के साथ बालाजी का दर्शन, भगवान श्री वेंकटेश्वर का दर्शन। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं बेंगलुरु से। बेंगलुरु से दर्शन हो गया? हाँ हो गया।
अभी प्रसाद लेके जा रहे हैं लड्डू, उस लड्डू के बारे में आपने सुना कैसा, मतलब उसमें बहुत बुरा लगा होगा कि लड्डू में जो घी मिलावटी मिला, उसके बारे में कुछ पता नहीं? अच्छा नहीं पता आपको, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। नहीं पता है तो आप बिल्कुल आप विश्वास के साथ आप ले जाइए, क्योंकि इस लड्डू में सरकार ने बताया कि कुछ दिनों तक मिलावटी घी का इस्तेमाल होता था, जानवरों की चर्बी वाले घी का इस्तेमाल, लेकिन अब शुद्धिकरण कर लिया गया है, अच्छी बात है। आप विश्वास के साथ, एक विश्वास के साथ, कुछ लोगों को नहीं भी पता है, और मुझे लगता है कि जिन्हें नहीं पता है वो तो विश्वास के साथ ले ही जा रहे हैं, लेकिन जिन्हें पता भी है वो भी एक विश्वास के साथ ले जा रहे हैं कि ठीक है बालाजी सब देख लेंगे, भगवान तिरुपति देख लेंगे। और ये वो तस्वीर उस विश्वास की, हम आपको अब लड्डू काउंटर भी लिए चलेंगे, वहाँ भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या लड्डुओं की बिक्री में कोई कमी आई है या और ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है या पहले के जैसा ही सब कुछ है, क्योंकि असर तो दिखा है, भक्तों की संख्या में भी कमी देखी जा रही है। ज़रा आप देखिए नीचे जो मंदिर प्रांगण में ये पूरा जो प्रांगण है खचाखच भरा रहता था, पूरी तरह से भक्त यहाँ पर श्रद्धालु भरे रहते थे। आज ज़रूर दर्शन का समय 10 बजे के बाद, सुबह 10 बजे के बाद दर्शन का की शुरुआत हुई है अनुष्ठान के कारण, शुद्धिकरण जो अनुष्ठान हुआ उसकी वजह से, लेकिन फिर भी अभी भी ये प्रांगण आपको बहुत खाली नज़र आ रहा होगा। मैं भी चौंक गया कि आखिर क्या ये इतने प्रसिद्ध मंदिर में इतनी कम संख्या हो सकती है, क्योंकि अमूमन ये भगवान वेंकटेश्वर के बर्थ का ही मंथ माना जाता है, और इस मंथ में और ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, लेकिन फिर भी कम संख्या होना, हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि अभी धीरे धीरे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी। लड्डुओं की बिक्री में कितना असर पड़ा है ये भी समझने की कोशिश करेंगे, और साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि इस अनुष्ठान का असर क्या लोगों पर हुआ है, लोगों के मन पर हुआ है, विश्वास उन पर उनका फिर से कायम हुआ है। मैम कहाँ से आए आप लोग? अम्मा कहाँ से आए आप लोग? अम्मा कहाँ से आए आप लोग? नहीं दर्शन हुआ? तेलुगु। तेलुगु? इंग्लिश? दर्शन हुआ? दर्शन हुआ नहीं, अभी 5 बजे को, अभी नहीं हुआ? नहीं। अच्छा प्रसाद अभी नहीं लिया? नहीं लिया। लड्डू? लड्डू लड्डू नहीं लिया अभी। तो लड्डू के बारे में कुछ सुना होगा आपने? सुना रहे, अभी देख के बाद में बात करता हूँ अभी, है ना। अभी वो सुन के कैसा लगा, मतलब दुख पहुँचा कि एक आस्था है उसके साथ खिलवाड़ किया गया? तेलुगु में मेरे को समझ गया, मैं तेलुगु में बात करता हूँ। चलो ठीक है, आप दर्शन कर लो। ठीक है। कई लोग तेलुगु में बोलने को लेकर सहज हैं इसलिए, लेकिन समझ जाते हैं, बातें समझ जाते हैं। तो हम आपको लिए चलते हैं सीधे लड्डू काउंटर, और वहाँ लड्डू काउंटर में क्या सब चल रहा है, क्या वहाँ पर असर पड़ा है, और इस शुद्धिकरण के बाद क्या एक विश्वास फिर से मजबूत होगा? हो रहा है, ज़रूर हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं संशय की स्थिति जो बनी थी, शक की स्थिति बनी थी, वो क्या दूर हो पाएगी, ये समझने की कोशिश करेंगे लड्डू काउंटर से। और अब हम आ गए हैं उस पोटू, जिसे पोटू कहा जाता है, जिस जो रसोई का है जहाँ पर लड्डू बनाए जाते हैं, वहाँ की तस्वीर आपको दिखाते हैं सीधे। जो ब्राह्मण हैं वो ये लड्डू बनाते हैं, दूर चूँकि दूर से ही तस्वीर हम आपको दिखा सकते हैं, अंदर जाने की मनाही है, तो मैं ज़रूर कहूँगा कैमरामैन वेंकटेश से जूम करके दिखाइए। यही वो पोटू है, इसका भी आज शुद्धिकरण किया गया है, जो पंचगव्य से है, पंचगव्य उससे शुद्धिकरण हुआ है अनुष्ठान के बाद, और अनुष्ठान के बाद शुद्धिकरण हुआ है। जो तमाम ब्राह्मण हैं आप देख सकते हैं जनौधारी, ये वो ब्राह्मण इस वक्त लड्डू बनाते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। जो लड्डू में इस्तेमाल की जाती हैं चीज़ें बनाई जाती हैं वो तस्वीरें, उन तस्वीरों के साथ। ठीक है सर। तो ये देखिए आप, चूँकि तस्वीर अंदर तक लेना मना है, लेकिन फिर भी हमने चाहा कि कोशिश की कि ये वो पोटू है जिस पोटू की से लड्डू बनकर तैयार होकर फिर काउंटर तक पहुंचता है, और वो काउंटर आगे हम दिखाते हैं आपको, काउंटर जो है वो काउंटर कहाँ है। लड्डू काउंटर पर ये प्रसाद ले जाया जाता है, और उन काउंटरों से होकर लड्डुओं की बिक्री होती है। ये वो काउंटर है जहां आप देख पा रहे हैं कि यहां लड्डू ले जाया जाता है और यहां से लड्डुओं की बिक्री होती है। तो आज शुद्धिकरण हुआ है, शुद्धिकरण के बाद से
वो तमाम जो आप प्रसाद हैं वो अब शुद्ध हो गए हैं। पंचगव्य से पोटू का भी मंदिर प्रांगण का भी शुद्धिकरण हुआ है और शुद्धिकरण के बाद ये श्रद्धालुओं को विश्वास दिलाया गया है ट्रस्ट की ओर से कि अब ये शुद्ध है, शुद्धता इसमें का ख्याल रखा गया, शुद्धता का जो अब तक ये बात थी कि इसमें चर्बी का की बात है या घी उस तरह की चीज़ें नहीं हैं, तो ये शुद्धता का ख्याल रखा गया है। सर हाउ मेनी लड्डूज टुडे सेलिंग, हाउ मेनी लड्डूज यू आर सेलिंग एवरेज? एवरेज पर डे, पर डे देर इज 3000 और 4000 पर काउंटर, 3000 to 4000। हाउ मेनी काउंटर्स आर देयर? देयर आर 60 काउंटर्स आर देयर। 60 यानी कि करीब 20,000 to 30,000 लड्डूस। इफ देयर एनी डिक्रीज इन सेलिंग आफ्टर द लड्डू कंट्रोवर्सी? इट डिपेंड्स ऑन रश सर। नो बट आफ्टर द लड्डू कंट्रोवर्सी, आफ्टर कंट्रोवर्सी इज देयर एनी इंपैक्ट ऑन सेलिंग ऑफ लड्डू? No. It's if the rush is high, it's depend upon the quantities. There are no impacts on laddu selling after laddu controversy. Okay. The contamination of ghee, जो controversy सामने आया उसके बाद कोई असर नहीं हुआ laddu की बिक्री पर? कम नहीं हुई laddu की बिक्री? कम नहीं हुई? No कम. कम नहीं हुई. No, not decrease sales. Okay. ये लड्डू किस कितने तरह के हैं? ये बड़ा लड्डू आप बता, यू नो कैन यू एलिब्रेट दिस लड्डू, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लड्डू? दिस इज बिग लड्डू सर। बिग लड्डू, बिग लड्डू कल्याण आश्रम। अच्छा, ओके। हाउ मच प्राइस? दिस इज 200 वन पीस 200। ओके, एंड इट इज 650 to 670 grams। ये आप देखिए कि ये बड़ा लड्डू है, 200 रुपये का एक लड्डू और जो ये बिक्री होता है। ठीक है सर, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज वड़ा। वड़ा, वड़ा, वड़ा। ओके, ये वड़ा है, ये भी प्रसादम के तौर पर 100 रुपीज़। सो व्हाट इज द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड फॉर? दाल्स, दाल। Okay. And medium size laddoo is also available na? Available. This is medium size laddoo. Yeah, this is medium size. So this is 50 rupees. 50 rupees. 50 rupees per laddoo. Okay, medium size laddoo and small size also. This is small size and this is big size. Only two types of laddoo. Okay. What's your name? Rakesh. Thank you, Rakesh. थैंक यू। राकेश जी ने बताया कि दो तरह के लड्डू, आपने देखा लड्डुओं की संख्या, और ये इस तरह के करीब 60 काउंटर्स होते हैं। 60 काउंटरों पर, एक काउंटर पर 4000 तक के लड्डू की बिक्री एक दिन होती है, यानी कि 2,40,000, और रश अगर ज़्यादा हुआ तो 3.5 लाख के पार भी ये आंकड़ा जाता है। और हमने आपको दिखाया कि जो लड्डू बनाए जाते हैं उसमें भी शुद्धता का ख्याल रखा जा रहा है। ब्राह्मण बनाते हैं वो लड्डू, और उन लड्डुओं को बनाने में ही जो घी का इस्तेमाल हो रहा था उसी घी में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल की खबरें आईं तो लोगों को गहरा आघात लगा, धक्का पहुंचा, और जिसकी शुद्धता का ख्याल रखने के लिए शुद्धिकरण किया गया है। मंदिर में 4 घंटे अनुष्ठान किया गया तमाम आचार्यों ने, और उन आचार्यों ने अनुष्ठान करके अब पूरे मंदिर परिसर को, या पोटू जिसे जहाँ की तस्वीर हमने दिखाई है वहाँ की तस्वीर को भी हमने देखा है। कुछ लोग भी जो लड्डू ले जा रहे हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। सर एक्सक्यूज मी, आप कहाँ से आए हैं सर? बेंगलुरु। लड्डू ले जा रहे हैं? इट्स माय फ्रेंड्स वन, इट्स नॉट माइन। व्हाई डू यू कैरी? स्कैन इट, देयर इज नो मीनिंग इन इट, बिकॉज आई एम नॉट द ओनर ऑफ दिस वन, सो समबडी इज द ओनर, सो आई एम जस्ट ओनली होल्डिंग इट। इफ यू स्कैन इट एंड ऑल दिस, बट दिस इज प्रसादम ना? दिस इज प्रसादम। Yes, it's Prasadam. Prasadam. So he is the donor. Donor is on behalf of the donor. I am holding it. Okay. He has gone there. Okay. Ma'am, आप साथ में हैं? ठीक है, तो देखिए दूसरे लोगों के लिए प्रसाद लाया जा रहा है, प्रसाद ले जाया जा रहा है शुद्धिकरण के बाद। जो हमने काउंटर आपको अंदर से दिखाया था ये वो काउंटर फिर आपको दिखा रहे हैं। बिग लड्डू, स्मॉल लड्डू और वड़ा यहाँ पर
मिलता है और यहाँ से जो तमाम श्रद्धालु हैं वो अपने साथ लड्डू ले जाते हैं। ये लाइन में लगा हुए कुछ लोग हैं जो लड्डू लेने के लिए काउंटर पर खड़े हैं। सर, लड्डू लेने के लिए आए हैं क्या? कहाँ कहाँ से आए सर? यूपी। यूपी? बलिया। बलिया से? अच्छा, तो लड्डू कितना ले जाइएगा? जितना मिलेगा। जितना मिलेगा तो बचवा सबके लिए ले जा रहे हैं। अभी लड्डू को लेकर लेकिन कुछ विवाद जो चला है वो हम लोग उससे मतलब नहीं नहीं मतलब वो सब कोई मतलब नहीं वो सब हम लोग को कोई मतलब नहीं। उसमें घी जो इस्तेमाल हो रहा था वो क्या है वो सब देखिए वो सब हम लोग नहीं जानते। हमें विश्वास है, विश्वास है, आस्था है। हाँ। हमको विश्वास है, हम आए हैं। कोई शंका संशय कुछ नहीं? कोई शंका नहीं, कोई कुछ भी नहीं। हालांकि आज मंदिर प्रांगण में शुद्धिकरण हुआ है, जो लड्डू बनता है रसोई घर में वहाँ भी शुद्धिकरण किया है पंचगव्य से। ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है, मगर हम लोग को कोई शंका नहीं। हम लोग सही आते जाते रहते हैं, हम लोग कोई वो नहीं। अच्छा, इस तरह की लेकिन चीज़ें अगर वो कोई करता है क्या होना चाहिए उसकी? देखिए अब तो अब क्या है उसके लिए तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। अब अंदर की बात तो कोई जानता नहीं है क्या होता है। आप कहाँ से हैं सर? बैंगलोर। बैंगलोर तो आप आपको भी अब संशय कोई डाउट कुछ नहीं, ट्रस्ट है? वी हैव टू बिलीव। यू हैव टू बिलीव, बट उस बिलीव को ही चोट पहुंचाने की कोशिश की गई। दे वर ट्राइंग कैन यू प्रूव इट? नो, गवर्नमेंट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बोलता है भाई। आपको आपको विश्वास है? आप कहाँ से? ऐसे बैंगलोर से। बैंगलोर से आपको पूरा विश्वास है? 100% तो अपने लिए बच्चों के लिए ले जा रहे हैं? करते हैं, पक्का है सर। तो ये देखिए विश्वास में कमी नहीं आई है और इसी को हम इसी की पड़ताल करने हम आए थे कि क्या किसी कहीं विश्वास में कमी आई है, लेकिन नहीं। और उस विश्वास को और मजबूत करने के लिए ट्रस्ट की ओर से भी शुद्धिकरण किया गया है और शुद्धिकरण के बाद जो भी संशय की स्थिति कहीं ज़रा सी भी शक या कोई संशय है तो वो भी दूर हो गई है। हालांकि जो श्रद्धालु हैं वो पहले से कह रहे हैं कि भगवान बालाजी पर हमें पूरा भरोसा है। तो ये तिरुपति मंदिर से आपको हमने सीधी तस्वीर दिखाई, पड़ताल की उस किचन की भी और तमाम श्रद्धालुओं से भी हमने बात की। ये कोशिश की इस विवाद का असर इस मंदिर पर कितना पड़ा है। ज़रूर आस्था पर आघात हुआ है, चोट पहुंची है, लेकिन उस चोट का असर उस विश्वास पर नहीं हुआ है क्योंकि विश्वास अभी भी बना हुआ है। भक्त और भगवान के बीच का जो रिश्ता है उस रिश्ते वो रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं है कि चंद लोगों की साजिश या चंद लोगों की कोशिशों की वजह से उस रिश्ते पर ज़रा से भी आँच आए तो कोई आँच नहीं आई है। विश्वास अभी भी बना हुआ है और यही सनातन की खूबसूरती भी है। सहयोगी कैमरा पर्सन वेंकटेश के साथ सुमित झा, इंडिया न्यूज़, तिरुपति।